हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है वैश्या बनी गुरु। कामनी अपना तन बेचकर धन कमाती थी। अपने ग्राहकों से अधिक धन ऐंठना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। एक बार जो कामनी के जंगल में फंस गया, उसका लूटना तय था। काम कलाओं और काम कीड़ा में वह बड़ी माहिर थी और भारतवर्ष के ही नहीं, कई दूसरे देशों के व्यापारी भी उस पर आसक्त थे और मुँह मांगी कीमत देकर उसे अपने साथ अपने देश ले जाने का प्रलोभन भी उसे देते थे। किंतु उसका विचार स्पष्ट था कि मैं किसी से प्रेम नहीं करती, मैं सिर्फ लोगों के धन से प्रेम करती हूँ। यह लोग मुझे प्रेम करते हैं, लेकिन तब तक जब तक मैं इनकी प्रेम भावना से खेलती हूँ। जिस दिन मैं भी इनके प्रेम में पड़ जाऊँगी, उस दिन यह लोग मुझे अपनी दासी बनाकर रख लेंगे। बड़े बड़े विद्वान, धनवान, राज्य के सम्मानित गण और राज दरबार के प्रभावशाली लोग उसके ग्राहक थे, या यूं कहिए कि उसके शिकार थे। इन्हीं गणमान्य व्यक्तियों में एक थे आचार्य स्थूल भद्र। वे एक सम्मानित शिक्षक थे, उनके शिष्यों में उनका बहुत सम्मान था। राजा के दरबार में प्रवेश करने मात्र से ही राजा समेत सारे दरबारी अपना आसन सिंहासन छोड़कर खड़े हो जाते। स्थूल भद्र कामनी के रूप पर मोहित थे और उस पर पूरी तरह से आसक्त थे, लेकिन साथ ही वे यह भी जानते थे कि अगर किसी को उनकी कामनी के प्रति आसक्ति का पता चल गया तो इस संसार के सामने उनका मान सम्मान घट जाएगा। दुनिया उन्हें एक बेसिया पर आसक्त काम उत्तेजित पुरुष से अधिक और कुछ नहीं समझेगी, और जो भी मान सम्मान और प्रतिष्ठा उन्होंने अपने पूरे जीवन में कमाई है, वह सब लूट जाएगा। एक तरफ मान सम्मान था और एक तरफ मनोभाव थे। अंततः मनोभाव की जीत हुई और एक रात वह छुपते छुपाते गणिका कामनी के यहाँ पहुँची। इतने में सम्मानित आचार्य को अपने यहाँ आया देख कामनी को आश्चर्य हुआ। उसने आचार्य को उचित आसन पर बिठाया। आचार्य स्थूल भद्र के वहाँ प्रवेश करते ही कामनी की सभी साथी उन दोनों को वहाँ अकेला छोड़कर चली गई, दूसरे कक्ष में जाकर खूब हंसी मजाक करने लगी। राजा हो या रंग, आचार्य हो या संत, सब है काम के दास, सब पर चढ़ा है वासना का रंग, हा हा हा। परंतु इस प्रकार के हास्य विनोद से बेखबर आचार्य स्थूल भद्र आसन पर बैठे। कामनी ने उनके पैर छुए, पर आचार्य ने अपने पैर पीछे कर लिए और कामनी की आंखों में देखते हुए शर्मिंदगी में बोले, यूँ मेरे पैर स्पर्श ना करो कामनी। कामनी बोली, आप महान शिक्षक हैं, आपके चरणों का स्पर्श तो शुभ होता है, आपको इतनी रात में आने की क्या आवश्यकता थी। आचार्य, अपने किसी शिष्य के हाथों संदेश भिजवा दिया होता, मैं स्वयं प्रस्तुत हो जाती। आपको धन चाहिए, बताइए कितना धन चाहिए। आचार्य स्थूल भद्र ने हिचकिचाते हुए अपने दिल की बात कही, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है कामनी, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। कामनी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, मैं कुछ समझी नहीं आचार्य। स्थूल भद्र बोले, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ कामनी। कामनी के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी आ गई। एक पुरुष और एक गणिका का प्रेम शमशान वैराग्य जैसा होता है। जब तक काम की आग जल रही होती है, प्रेम जल रहा होता है, और जैसे ही काम शांत, प्रेम भी शांत। परंतु विद्वान आचार्य के अपने तर्क थे, काम भी तो एक यज्ञ ही है कामनी, और उसका शरीर उस यज्ञ का उपकरण। पर कामनी के अपने उसूल थे, उसने स्पष्ट कहा, मैं आपसे तर्क नहीं कर सकती आचार्य, मैं एक गणिका हूँ और मेरे द्वार पर हर किसी का स्वागत है, आपका भी स्वागत है, पर मेरा मूल्य है, मैं बहुमूल्य हूँ। आचार्य ने पूछा, क्या मूल्य है तुम्हारा। कामनी ने इठलाते हुए कहा, एक दिवस के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं लेती हूँ मैं। 100 स्वर्ण मुद्राएं सुनकर आचार्य के माथे पर पसीने और चिंता की लकीरें आ गई। कामनी उपहास करती हुई बोली,
भिक्षा के लिए आपका स्वागत है, पर भोग का मूल होता है आचार्य। आचार्य के चेहरे की शर्मिंदगी अब दृढ़ निश्चय में बदल गई। वह खड़े होकर दृढ़ स्वर में बोले, अब मैं उसी दिन तुम्हारे पास आऊँगा जिस दिन तुम्हें खरीद सकने लायक मेरे पास धन होगा। एक दिन मैं तुम्हें खरीद कर ही रहूँगा कामिनी, यह मेरा वचन है। और आचार्य तेज कदमों से वहाँ से चले गए। और कामिनी से इस मुलाकात के बाद आचार्य स्थूलभद्र का जीवन बदल गया। वे रोजाना महाराज के दरबार में पहुँचते और महाराज को नित एक सुविचार सुनाते और बदले में राजा उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा दे देते, जिससे वे अपनी और अपने आश्रम में पढ़ने वाले शिष्यों की आवश्यकताएं पूरी करते थे। रोजाना की तरह आज भी महाराज के सुविचार सुनने का समय आ गया था, किंतु आचार्य स्थूलभद्र अभी तक नहीं आए। एक सिपाही आकर उन्हें सूचना देता है, महाराज की जय हो। महाराज आचार्य स्थूलभद्र ने आने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि उनका एक एक विचार मनुष्य के भीतर ज्ञान की ज्वाला को चलाता है, इस भौतिक संसार से मुक्ति दिलाकर उसे मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। तो फिर इतने मूल्यवान विचारों को सिर्फ एक सिक्के के बदले क्यों बांटा जाए? वह चाहते हैं कि उन्हें नित्य एक विचार के 100 सिक्के दिए जाएं। आचार्य को आज यह क्या हो गया है कि वह अपने विचारों के बदले ऊंची कीमत क्यों मांग रहे हैं? पर चूंकि राजा को सुबह उठते ही सुविचार सुनने की आदत पड़ चुकी थी, इसीलिए वह किसी कीमत पर आचार्य स्थूलभद्र का सत्संग छोड़ना नहीं चाहते थे। और उन्होंने रोजाना 10 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए हामी भर दी। आचार्य के गुरुकुल से उनके शिष्य रोजाना नगर के द्वार द्वार जाकर भिक्षा में भोजन और अनाज मांग कर लाते थे, किंतु आचार्य स्थूलभद्र ने अपने शिष्यों को भी सीधा आदेश दिया था कि तुम इस राष्ट्र का भविष्य हो। आज तुम विद्यार्थी हो, किंतु आने वाले कल में तुम्हारे हाथ में राज्य की बागडोर होगी। तुम में से कोई मंत्री होगा, कोई सेनापति होगा और कौन जाने कोई राजा भी हो सकता है। पूरे समाज का दायित्व तुम्हारे कंधों पर होगा। तो क्या आज समाज का दायित्व नहीं है कि वह सिर्फ तुम्हें भोजन का याचक न बनाकर अपनी इच्छा से दान देकर तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए तुम्हारा उत्साह वर्धन करे? आज अगर राज्य तुम्हें कुछ देगा तो ही बदले में वह तुमसे किसी चीज की उम्मीद कर सकेगा। इसीलिए अब यह भोजन और अनाज की भिक्षा लेना बंद करो और इसके बदले हर घर से एक एक स्वर्ण मुद्रा मांगो। कहो कि यह राजा का आदेश है और इसे ना मानने पर दंड दिया जाएगा। और इस प्रकार गणिका कामिनी को पाने की दिशा में आचार्य स्थूलभद्र के कदम तेजी से बढ़ उठते हैं। पाप और पुण्य का विचार उनके दिमाग से निकल ही जाता है और सिर्फ धन अर्जित करना और मुद्राएं जमा करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य रह जाता है। इधर कामिनी अपना रूप बेचकर धन कमाने के व्यवसाय में मग्न थी कि उसका भी ध्यान भटकता है और एक आकर्षक और धनवान नवयुवक जो उसके रूप का खरीदार बनकर एक दिन उसके यहाँ आया, उससे कामिनी को प्रेम हो जाता है। काममय वासना पर प्रेममय प्रणव हावी हो जाता है। कामिनी चाहती थी कि वह नवयुवक रोजाना उसके पास आए, किंतु वह कभी कभी ही आता था, जिस वजह से विरह की वेदना कामिनी के लिए असहनीय हो गई थी। कई दिनों के बाद आखिर एक दिन वह युवक आया तो कामिनी उससे बोल पड़ी, जो इस बार तुम लंबे समय के लिए ना रुके तो मैं भी तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, मुझसे अब तुम्हारा विरह सहन नहीं होता। वह नव युवक कामिनी को मनोस्थिति को समझता था, किंतु उसे कामिनी से प्रेम नहीं था। वहाँ से जाते हुए वह बोला, लगता है तुम्हें मुझसे प्रेम हो गया है कामिनी। कामिनी ने तड़पते हुए पूछा, कल किस समय आओगे तुम?
हाँ, समय मिला तो अवश्य आऊँगा। और वह नवयुवक चला गया। अगला सारा दिन कामनी ने उसका इंतजार किया, किंतु रात को उस नवयुवक का एक संदेश वाहक आकर बताता है, श्रेष्ठी ने संदेश भेजा है कि वह व्यस्त हैं और अगले कुछ दिन नहीं आ पाएंगे। कामनी का दिल टूट गया और वह दीवानी सी हो गई। कई दिनों और रातों तक उसने नवयुवक का इंतजार किया, किंतु वह नहीं आया। इधर आचार्य स्थूलभद्र के पास स्वर्ण मुद्राओं का अंबार सा लग गया। मारे खुशी के उन्होंने सारी स्वर्ण मुद्राएं एक बड़ी सी पोटली में बांधी और आत्मविश्वास से लवरेज होकर कामनी के घर की ओर चल दी। इधर उस नवयुवक के न आने से कामनी टूट चुकी थी और बड़बड़ा रही थी, अब बहुत देर हो चुकी है, सुख की कामना की आग मुझे जला रही है और मैं स्वयं को राख होते देख नहीं पा रही हूँ। काम की आग मुझे हर रोज जलाती है और मैं स्वयं को जलने देती हूँ। टुकड़े टुकड़े सुख के लिए हर दिन मरती हूँ। धिकार है मुझे कुछ पल योग फिर वियोग। इससे तो अच्छा है कि मैं उसकी कामना करती जिसके योग के बाद वियोग नहीं होता। धिक्कार है मुझे जो मैं उसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, जो सिर्फ मेरे शरीर को चाहता है। यदि इतने गहरे घाव के साथ मैंने उसकी प्रतीक्षा की होती जिसे ईश्वर कहते हैं, तो वह ईश्वर भी मुझे अब तक प्राप्त हो चुका होता। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे वह सुख जो क्षणिक है। नहीं चाहिए मुझे यह आभूषण। नहीं चाहिए मुझे स्वर्ण। नहीं चाहिए मुझे यह नकली शारीरिक सौंदर्य। ऐसा कहते कहते वह दहाड़े मारकर रोने लगी और अपने सारे कीमती जेवर उतार कर फेंकने लगी और रोते रोते पलटी तो ठिठक गई। उसने देखा आचार्य स्थूलभद्र उसके पीछे खड़े हैं। उनके हाथों में स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई मोटी सी पोटली है। आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हें भी सिर्फ मेरा शरीर ही चाहिए ना था ब्राह्मण, पर अब यह तुम्हें किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। आचार्य स्थूलभद्र ने एक नज़र अपनी पोटली पर डाली, दूसरी नज़र कामनी पर और मुस्कुराते हुए बोले, मुझे जो चाहिए था वह मिल गया है कामनी। आज इसी क्षण मैंने जाना शरीर से परे भी कोई लोक है, कोई सत्य है। कुछ पल के लिए, आनंद के लिए मैं अपने जीवन भर के पुण्य की आहुति देने पर उतारू हो गया था, किंतु तुमने मुझे ऐसा करने से बचा लिया। आत्मग्लानी के इन क्षणों में तुमने मेरा परिचय उस सत्य से कराया है जिसके बारे में मैंने सुना तो था पर जाना आज है। हजार स्वर्ण मुद्राएं लेकर आज मैं तुम्हें खरीदने आया था, किंतु अब तो तुम्हारा मूल्य आंकने की मूर्खता मैं नहीं कर सकता, पर यह हजार स्वर्ण मुद्राएं मैं यहाँ रखकर अवश्य जाना चाहता हूँ। उसके लिए जिसने मुझे नींद से जगा दिया, आज मेरी शिक्षा पूरी हुई। स्वीकार करो यह गुरु दक्षिणा। ऐसा कहकर आचार्य ने धन्य की पोटली कामनी के पैरों में रख दी और सिर झुकाकर उसके चरण स्पर्श किए और चले गए। और इस प्रकार आचार्य स्थूलभद्र ने एक गणिका में ही गुरु खोज लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।